भगवान श्री विष्णु का मुंड कहीं कटा जाइथिला। थरे भगवान विष्णु 10,000 वर्ष धरी राक्षसों सहित युद्ध करी थकी जाइथिले। तापरे से तांका बैकुंठ धाम को गले एवं सेठारे से निज धनुष को भूई रे रखिकी एवं पद्मासन रे बसी जोग निद्रा को पळेले। प्रबल निद हेतु तांका मुंड धनु उपरे रहिथिला। सेठारे देवता माने असुरंका पराजित करिबा पई यज्ञ करिबार योजना करुथिले। देवता माने भगवान विष्णु का निकट रे प्रार्थना करिबा पई बैकुंठ गले। से देखिले भगवान विष्णु जोग निद्रा रे अछंती एवं से माने भाबिले जे तांको सोइबा समय रे जागृत करा जिबा उचित नुहे। से माने सेठारे ठिया होई प्रभुंग जागृत हेबा को अपेक्षा कले, किंतु भगवान विष्णु दीर्घ समय परे मध्ये जागृत होई नथिले। तेणु देवराज इंद्र देवता को भगवान विष्णु को जागृत करने को कहिले। तापरे समग्र देवता माने तांको जागृत करने को स्थिर कले, नचेत भगवान विष्णु के बिना यज्ञ संपूर्ण हेब नाही। सही समय ब्रह्मदेव भगवान विष्णु को जागृत करने पाई एक कीट तैयारी करी ताकु प्रभु धनुबाड़ी रे काटिबा को निर्देश देले, किंतु सही कीट कहिला भगवान नारायण तो देवतांकर भी आराध्य, मु तांको निदर उठाइबार घृण्य कार्य कहीं करी। जे पर्यंत कहार एथिरे स्वार्थ लुचि न थाए से पर्यंत से एपरि कार्य करिवे नाही। भगवान ब्रह्मा मते कहंतु एही घृण्य कार्य करी मु कोन पाइबी। तापरे ब्रह्मा सही कीटर मन कथा जानी कहिले जे यज्ञर जहा भी हविष्य होम कुंड बाहर पड़िबो ताहा आजि ठारू तुमरो बोली जानिबो। एहा सुनी पोक धनुर दौड़ी काटिबा को राजी हेला एवं से धनुर दौड़ी काटी देला। जेतेबेले धनुर दौड़ी काटिला सेतेबेले एक भयंकर शब्द गुंजित हेला एवं चारिआडे अंधकार होइगला। धीरे धीरे जेतेबेले एही अंधकार छाड़िला देवता माने देखिले जे भगवान विष्णु सेठारे बिना मुंडरे उपस्थित अछंती। मुकुट एवं कान रे पिंधिथिबा कुंडल सहित तांको मुंड कोनोसी अन्य स्थान रे पड़िथिला। एहा देखि देवता माने बहुत डरी गले एवं परवर्ती समय रे कोन करा जिबो से विषय रे से माने चिंतित होई गले। देवता माने एहीपरि चिंतारे बुड़ी रही थिबारु देखि ब्रह्मा कहिले जे संसार रे बिना कारण रे कोनोसी कार्य हुए नाही, सेथिपाई आम मानंकु भगवती जोगमायांकु पूजा करिबा उचित। एवं से निज देह धारण करी सेठारे उपस्थित वेदंकु निर्देश देले कि भगवती दुर्गांकर स्तुति करंतु। तापरे वेद देवता आदिशक्तिंक स्तुति करिबा आरंभ कले। वेदंकर स्तुति सुनी माँ भगवती अति प्रसन्न हेले। देवी प्रसन्न हेबा मात्रे आकाशवाणी हेला। माँ कहिले देव माने तुम्हें भय कर नहीं। भगवान विष्णु का मुंड काटिबार दुईटी कारण अछि। प्रथमे थरे विष्णु तांका पत्नी लक्ष्मी को मुह को देखि हसुथिले। तापरे लक्ष्मी अनुभव कले जे बोध हुए मो चेहरा को श्री हरि पसंद करंती नाही, सेथिपाई से मो उपरे हसुछंती। एहा देखि लक्ष्मी देवी बहुत रागी गले एवं तांका पाटीरू बाहरी आसिला जे हे विष्णु तुम्हें मुंड विहीन हुआ। सही अभिशाप हेतु आज श्री विष्णु का मुंड कटिछि। एहार अन्य एक कारण हेउछि जे हयाग्रीव नामक एक राक्षस तपस्या करी मोठारू वरदान नेछि जे तार मृत्यु खाली भगवान हयाग्रीव द्वारा ही हो। वर्तमान से दैत्य मोठारू वरदान नहीं अधिक शक्तिशाली हेई समस्त ब्राह्मण एवं साधु मानंकु कष्ट देउछि। एहाकु एबे शेष करिबाकु समय आसी जाइछि। सेथिपाई श्रीहरिंकु हयाग्रीव रूप नेबाकु समय आसी जाइछि। परे देवींको आदेश अनुजाई भगवान ब्रह्मा एक अश्व मुंड काटी विष्णु का देहरे रखिदेले एवं देवींको वरदान अनुजाई प्रभु श्रीहरि हयाग्रीव रूपरे हयाग्रीव नाम दैत्यर अंत कले। आजिर अध्याय शेष हेला। आशा करछि आजिर पोस्ट आपण मानकु भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि गोटे लाइक दे देबे। सब्सक्राइब जदि करनांती प्लीज करनेबे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।